रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू किचन विद उम फवाज। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही मज़े के, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के पिज़्ज़ा सैंडविच। तो उसके लिए मैंने तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिकन ले ली है। चिकन मेरा तकरीबन 250 ग्राम है। उसमें मैं डालूँगी 1 चाय का चम्मच अदरक का पेस्ट। उसके बाद जाएगा इसमें 1 ही चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट। आज सभी चीज़ें जो हैं वो एक एक चाय के चम्मच के अकॉर्डिंग है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं हैं वो मैं बता दूंगी आपको। 1 अदद लेमन जाएगा इसमें, उसको इस तरह से निचोड़ लेंगे। आज मैंने कोशिश की है कि वीडियो जो है वो छोटी से छोटी बने, यानी कि व्यूअर्स को कोई दिक्कत ना हो वीडियो देखने में कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो है तो हम नहीं देख पा रहे, या कुछ इस तरह का कोई इशू नहीं क्रिएट हो। इस तरह से लेमन ने चोड़ लिया। अब जाएगा इसमें ये बिल्कुल थोड़ा सा नमक है, क्योंकि इसमें दूसरा जो मसाला जाएगा उसमें भी नमक है, और हम इसमें चीज भी डालेंगे तो उसमें भी नमक होगा डेफिनेटली। 1 चाय का चम्मच फुल भर के मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी है। अब इसमें जाएगा बहुत ही स्पेशल और बहुत ही मज़े का चिकन टिक्का मसाला, और जो चिकन टिक्का मसाला है वो भी 1 चाय का चम्मच ही जाएगा इसमें। बिस्मिल्लाह। एक चाय का चम्मच फुल भर के हमने ले लिया है। तो अब हम करेंगे इसको अच्छे से मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसको 10 मिनट के लिए हम अपने फ्रिज में रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। पैन में मैंने तकरीबन 2 खाने के चम्मच ऑयल लिया है, और उसमें मैंने अपना ये मैरिनेट किया हुआ चिकन डाल दिया है। इसको हम फ्राई कर लेंगे। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है, देखें इस तरह से ये बिल्कुल खुश्क हो चुका है, ये देख लें। और फ्लेम को मैंने ऑफ कर दिया है। अब इसमें हम अपनी दूसरी चीज़ें शामिल करेंगे, मगर उससे पहले हम चिकन को श्रेड कर लेंगे, यानी इसके रेशे कर लेंगे। चिकन जो है वो मैंने इस तरह से श्रेड कर लिया है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है इसको। अब इसमें जाएगी दरमियाने साइज़ की ग्रीन वाली शिमला मिर्च है मेरे पास, उसको मैंने इस तरह से काट लिया है, चॉप किया बिल्कुल छोटा छोटा, वो इसमें डाल देंगे। जैतून है वो डाल देंगे। प्याज है बिल्कुल छोटी सी, प्याज ले लें, उसको इस तरह से काट के डाल दें। ब्लैक ऑलिव है, ये डाल देंगे। अच्छा, दोनों किस्में जो हैं वो जैतून की वो मैंने डाल दी हैं। इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगी चीज़, शेडेड चीज़ है मेरे पास 1/2 कप, उसको इसमें डाल देंगे। ओरेगानो इसमें छिड़क देंगे इस तरह से, और इसको अच्छे से कर लेंगे मिक्स। सैंडविच मेकर को मैंने ऑयल के साथ ग्रीस कर लिया है। अब थोड़े से ऑयल में मैंने ओरेगानो मिक्स कर लिया है, इसको मैं अपने ब्रेड के ऊपर इस तरह से लगा दूंगी। मैं सब पीसेस पे इस तरह लगा दूंगी, तो उसके बाद हम मिक्सर अंदर डाल के सैंडविच मेकर में इसको रेडी कर लेंगे। अब ब्रेड के ऊपर मिक्सचर जो है वो इस तरह से डाल देंगे, और इसके ऊपर दूसरी ब्रेड का स्लाइस रख के सैंडविच मेकर को बंद कर देंगे। पिज़्ज़ा सैंडविच हमारे बिल्कुल रेडी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि किस तरह के बने हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।